देश नहीं झुकने देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 15वीं शताब्दी में धर्म के ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए संत कबीर ने कहा था, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांगते क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि संत कबीर दास कहते थे कि कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत क्या है, क्या ऊपर वाला बहरा है क्या, मतलब ऊंचा सुनता है ऊपर वाला। गजब बेइज्जती है कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है उसमें अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहा जाता है कि इला इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा नहीं कोई, कोई माबूद नहीं है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है जरा बता दें भाई साहब। खुदा, खुदा, हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये आप क्यों खुदा कहेंगे? मैं कुछ भी किसी और को ये बताना कि अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है, ये तो चल जमाइए, डेसिबल बढ़ाइए थोड़ा, इनको ऊंचे डेसिबल की आदत है। आवाज आ रही है शोएब जमाई, डेसिबल बढ़ाऊं क्या? हाँ, ये सही कहा आपने। इसी तरह अगर आप बिल्कुल डेसिबल कम कर देंगे अजान की, तो जो नमाजी इंतज़ार में होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कब मस्जिद में जमा होना है, इसलिए थोड़े एक सर्टेन डेसिबल के साथ अजान दी जाती है। जैसा अभी मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, आपने डेसिबल बढ़ाया तो अब मैं सुन लिया। हाँ। शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लो। आप पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो, रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूँ, बड़ी इज्जत दे रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, बड़ी इज्जत दे रहा हूँ भाई। चलो देखो, एक अमन जी, इसमें जरा दो मिनट हमें देना अन इंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो, जब कर्नाटक में ट्रेन कैसे पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, सवाल मेरा था। ना, सवाल मेरा था, ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब, हो गया। बात खत्म। अजीब तमाशा, ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है भाई, ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए, हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको ही अपने आप आए मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है, कौन कोई अजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए? कौन साबुन से हाथ धोगा है, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी, गाली, ये स्तर, ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके अजान, ये शोएब, मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा, ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए, ये संस्कार है शायद आपके, जो भी आपने बोला।